गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। नमस्कार दोस्तों, गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। जीवन में माता पिता का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वही हमें इस रंगीन खूबसूरत दुनिया में लाते हैं। कहा जाता है कि जीवन के सबसे पहले गुरु हमारे माता और पिता ही होते हैं। भारत में प्राचीन समय से ही गुरु और शिष्य की परंपरा चली आ रही है, लेकिन जीने का असली सलीका हमें शिक्षक ही सिखाते हैं, सही मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। जी हां, प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भारत वर्ष में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। गुरु का हर एक किसी के जीवन में बहुत महत्व होता है, समाज में भी उनका अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा में बहुत ही विश्वास रखते थे। वे एक महान दार्शनिक और एक महान शिक्षक थे। उन्हें अध्यापन से गहरा प्रेम था। एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। इसलिए आज के दिवस को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, आज के दिवस को एक प्रेरणादायी बनाने के लिए पूरे देश में, पूरे विश्व में आज शिक्षक दिवस मनाया जाता है और ऐसे महान शिक्षक को याद किया जाता है, उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश की जाती है और ऐसा बनने के लिए दूसरों को भी प्रेरित किया जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को हमारा सत सत नमन है, सत सत प्रणाम है। जी हाँ, जन्मदाता से ज़्यादा महत्व शिक्षक का होता है, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को इंसान बनाता है और जीने योग्य जीवन देता है। जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है, कुछ इस तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। लोग सच ही कहते हैं कि एक बेहतरीन टीचर के साथ गुजारा हुआ एक दिन दिल लगा के पढ़े हुए हजार दिनों से बेहतर है। जी हाँ, गुरु ज्ञान दीप की ज्योति से मन को आलोकित कर देता है। जी हाँ, गुरु ज्ञान दीप की ज्योति से मन को आलोकित कर देता है, विद्या का धन देकर जीवन सुख से भर देता है। प्रणाम ऐसे गुरु जी को जो ज्ञान की खुशबू से हमारा जीवन भर देता है। ऐ प्रणाम करते हैं ऐसे गुरु को जो ज्ञान की खुशबू को जीवन भर देता है। जी हाँ, सत्य न्याय की राह पर चलना शिक्षक हमें सिखाते हैं, जीवन संघर्षों से लड़ना शिक्षक हमें सिखाते हैं और ऐसे गुरु को हम आज इस धरती पर बहुत सारा नमन करते हैं, बहुत सारा नमन करते हैं। जीवन में जो सही राह दिखाए, सही तरह से चलना सिखाए, माता पिता से पहला आता, जीवन सदा आदर पाता, जो मेरा शिक्षक कहलाता, जो मेरा शिक्षक कहलाता। धरती कहती अंबर कहते बस यही तराना, गुरु आप ही वो पावन नूर हैं जिनसे रोशन हुआ जमाना, जिनसे रोशन हुआ जमाना। जी हाँ, गुरु के पावन मार्गदर्शन से ही हमारा जीवन रोशन होता है और ऐसे ही अज्ञानता को दूर करते हुए जो शिक्षक ने ज्योति जलाई है, ऐसे गुरुवर के चरणों में हमने शिक्षा पाई है। गलत राह पर भटके जब हम, तो गुरुवर ने ही राह दिखाई है, गुरुवर ने ही राह दिखाई है। आइए ऐसे शिक्षक दिवस में उनके आदर्शों पर चलकर एक मिसाल कायम करें और अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु, जीवन की राह दिखाने वाले गुरु, जो इंसान को इंसान बनाने वाले गुरु को याद करें और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं का प्रचार प्रसार करें। शिक्षक बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन आत्मा नहीं, ध्यान ज्ञान धैर्य और कर्म सब शिक्षक की देन है। जी हाँ, ये सभी शिक्षक की देन है। मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जिसने जीना सिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, ऐसे गुरु को सत सत प्रणाम करते हैं, सत सत प्रणाम करते हैं। जी हाँ, गुरु जी हमें शिक्षा देकर हमें इस योग्य बनाते हैं। कहते भी हैं कि बिना पूर्ण समर्पण के
दीक्षा नहीं होती। दीक्षा मतलब दीक्षित होना, योग्य होना। बिना पूर्ण समर्पण के दीक्षा नहीं होती, बिना विनम्रता शिक्षा नहीं होती। शिक्षा वह जो जीवन और चरित्र का गठन कर दे। सिर्फ तथ्यों का आकलन करना ही शिक्षा नहीं होती, सिर्फ तथ्यों का आकलन करना ही शिक्षा नहीं होती। जी हाँ, तथ्यों का आकलन करना और तथ्यों को एकत्रित करना शिक्षा नहीं होती, जीवन और चरित्र का गठन करना शिक्षा होती है। आज शिक्षक दिवस पर हम शिक्षकों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, और ऐसे गुरु को जिसने हमारा मान भी बढ़ाया, अभिमान भी बढ़ाया, हमें अपनी पहचान भी दिलाया, हमें अपना सम्मान भी दिलाया, और ऐसे गुरु के आशीर्वाद पाकर हम बहुत धन्य हैं, क्योंकि हमें उन्होंने सफलता का मुकाम भी दिलाया। भूले थे भटके थे जब हम थे स्वयं से अनजान, शिव साधारण कर लिया अपने सूर शरीर का वेग महान। निष्प्राणों को जीवन देने लाए गंगा की धार, गुरुदेव हम कैसे चुकाएं आपके जन्म जन्म का आभार, जन्म जन्म का आभार। जी हाँ, आइए गुरुदेव को याद करें और उनको नमन करें और उनका धन्यवाद।